प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुजगार मेले दे विच 51,000 तो वध नियुक्ति पत्र वंडे हन। नौजवानों का हौसला वधाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे राही 51,000 तो वध नौजवानों नूं नियुक्ति पत्र वंडे हन। यह नौकरी मेला देश भर दे विच 37 स्थानों पर आयोजित किया गया सी, जिस दे विच इस पहलकदमी का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के नाल नाल राज सरकारां अते केंद्र शासित प्रदेशों दे विच नियुक्तियां कीतियां जा रही हैं। तुहानू दस दिंदे हाँ कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नौजवान रेलवे मंत्रालय, गृह मंत्रालय, परिवार भलाई मंत्रालय समेत वख-वख मंत्रालयां अते विभागों दे विच काम करनगे। रुजगार मेला असल दे विच रुजगार सिरजन नूं प्रमुख तरजीह देण दे लई प्रधानमंत्री दी वचनबद्धता नूं पूरा करन लई केंद्र सरकार वल्लों कीते जा रहे यत्नां नूं दर्शाउंदा है। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा बना हुआ है। हमने भर्ती प्रक्रिया को ना सिर्फ स्ट्रीमलाइन किया है बल्कि कुछ परीक्षाओं को रिस्ट्रक्चर भी किया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की रिक्रूटमेंट साइकिल में जो समय लगता था, वो लगने वाला समय अब करीब करीब आधा हो गया है। यानी सर्कुलर पत्र जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक के समय को काफी कम कर दिया है। इससे युवाओं के समय की बड़ी बचत हुई है। गांधी जी ने चरखे को स्वदेशी और कर्मयोग के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। जो खादी अपनी चमक खो चुकी थी, उसकी चमक भी अब वापस लौट आई है। 10 साल पहले खादी की बिक्री 30,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, अब ये 1,25,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गई है। इससे खादी और ग्राम उद्योग सेक्टर में अनेक रोजगार के नए अवसर बने हैं। विशेषकर महिलाओं को इससे बहुत मदद मिली है। होर नवीं खबरां देखने के लिए सब्सक्राइब करो PBX News, द ऑफिशियल YouTube चैनल।